बड़े ही मजेदार अपडेट आए हैं आज टैक वर्ल्ड से। खासतौर पे अगर हम अपने मुल्क की बात करें तो यहाँ पर भी बहुत सारी आज हलचल देखने को मिली है, तो सारी चीजों पर बात करेंगे आज के बुलेटिन में। लास्ट तक देखिए वीडियो, मैं हूं अशफाक और आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक्निकल चार्जर। यूरोपियन यूनियन की तरह ही भारत सरकार भी अब देने वाली है आप सभी को एक ही तरह का चार्जिंग पोर्ट। दरअसल 17 अगस्त को सरकार एक उच्च स्तरीय मीटिंग करने वाली है जिसमें कि सभी ओईएम मैन्युफैक्चरर्स को भी इनवाइट किया है, जहां पर की चर्चा होगी सभी डिवाइसेस में या कह लीजिए सभी स्मार्टफोन में सिंगल टाइप चार्जर के लिए, और उसके अलावा फोन्स में भी प्रीमियम और मिड रेंज रखने के लिए। यानी कि आपको बहुत सारे बदलाव आने वाले दिनों में गैजेट इंडस्ट्री में देखने को मिल सकते हैं। और क्या क्या निकल के आएगा दोस्तों, इसके लिए हम जरूर इस अपडेट पर अपनी निगाह बनाकर रखेंगे। लास्ट टाइम 2019 में हमने देखा था अपनी गाड़ियों की नंबर प्लेट में बदलाव होता हुआ, लेकिन इतने ही कम समय में सरकार एक बार फिर से बदलाव करने की कुछ तैयारियां कर रही है। दरअसल सरकार की तैयारी है कि वो सभी हाईवे से टोल प्लाजा हटा दे। अगर टोल प्लाजा हटेंगे तो टोल कलेक्शन के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ही, तो सरकार चाहती है कि चिप वगैरह को सब कुछ नंबर प्लेट में ही इंस्टॉल कर दिया जाए ताकि और ज्यादा तिकड़मबाजी करने की जरूरत ना पड़े। तो देखते हैं दोस्तों इस नए अपडेट के साथ में नई तरह की नंबर प्लेट कब तक इंडिया में लॉन्च होती है। गूगल मैप्स का हम सभी इस्तेमाल करते हैं आसान और सुलभ रास्तों को ढूंढने के लिए, लेकिन कभी कभी गूगल मैप्स भी गलती कर देता है। एक मामला सामने आया है केरला से, जहां पर की कोट्टयम जिले में एक ही परिवार के चार फैमिली मेंबर सफर कर रहे थे। उन्हें रास्ता ढूंढना था तो उन्होंने गूगल मैप का इस्तेमाल किया, लेकिन गूगल मैप उन्हें ले गया एक नहर तक, जहां पर उनकी गाड़ी उस नहर में गिर गई। वैसे तो चारों लोगों को बचा लिया गया, लेकिन फिलहाल अब गूगल मैप इसकी जांच कर रहा है कि क्यों ऐसा हादसा हुआ और कहां पर एरर था, कहां पर ग्लिच थी जो कि रास्ता वो भटक गए। जो भी अपडेट होगा दोस्तों आने वाली वीडियो में आपको इसके बारे में बताएंगे। हमारे 5 मुख्य शहरों में भारत सरकार ने 5G टेस्ट बेड बनाए हैं, इनको अब मुकम्मल कर लिया गया है। यह है IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT हैदराबाद, IIT कोलकाता और IIT बैंगलोर में। यहां पर सरकार की तैयारी है कि आने वाले दिनों में स्टार्टअप्स और खासतौर पर जो मीडियम और स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, उनको यहां पर टेस्टिंग और ट्रायल करने के लिए फ्री में सहूलत दी जा सके। इससे क्या होगा कि जो आने वाली फ्यूचर टेक्नोलॉजी है उसके साथ में भी ये एंटरप्राइजेस और स्टार्टअप जुड़ सकेंगे इजिली, और अगर उन्हें सटीक लगता है, सही लगता है, तो वो इसको एडॉप्ट भी कर पाएंगे। बाकी देखते हैं दोस्तों इसके क्या पॉजिटिव रिजल्ट्स फ्यूचर में निकल के आते हैं। अब तक हमने सारे लेटेस्ट आईफोन इंपोर्ट करे हुए ही यूज किए हैं, लेकिन शायद पहली बार ऐसा होने वाला है कि इंडियन यूजर्स को भी मेड इन इंडिया आईफोन 14 सीरीज मिल सकेगी। एक साथ इंडिया और चाइना दोनों ही जगह एप्पल इस नई आने वाली लेटेस्ट आईफोन सीरीज की मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर रहा है। वैसे आपको बता दूं कि इसका फैसला शायद जो सरकार का चाइना को लेके कठोर रुख है उसकी वजह से लिया हुआ नजर आता है, लेकिन जो भी हो दोस्तों इंडियन यूजर्स को इससे क्या लेना देना, कम से कम हमें अपना मेड इन इंडिया आईफोन तो मिल पाएगा। ओप्पो और वन प्लस पे इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया के बाहर भी कई मुल्कों पे कार्रवाई की जा रही है, लेकिन ये इंडिया से थोड़ी सी अलग है। हम बात कर रहे हैं जर्मनी की, जहां से आज एक अपडेट आया है कि वहां पर वन प्लस और ओप्पो को फोन बेचने से रोक दिया है कोर्ट ने। दरअसल ये मामला है नोकिया के 5G पेटेंट का, जो कि नोकिया ने आरोप लगाए दोनों कंपनियों पर कि उन्होंने पेटेंट का जो है डिस्प्यूट किया है और चोरी की है। अभी फिलहाल कोर्ट में और भी ज्यादा इस पर बहस होना बाकी है, लेकिन फिलहाल शुरुआती जो फैसला है उसमें इन दोनों फोन पर कार्रवाई की गई है। व्हाट्सएप नए फीचर्स और नए अपडेट के लिए जाना जाता है, इसीलिए तो व्हाट्सएप को यूज करना लोग ज्यादा पसंद करते हैं। आज एक नया फीचर सामने आया है जिसमें कि व्हाट्सएप खुद अवेयर कर रहा है यूजर्स को इस नए फीचर के बारे में। फीचर क्या है, आप अब अपनी प्राइवेसी को और ज्यादा इंप्रूव कर सकेंगे। किस वक्त आप व्हाट्सएप पे ऑनलाइन है, ये जिससे भी चाहे, जिस कॉन्टेक्ट से चाहे या 100% कॉन्टेक्ट से चाहे तो अपने आप को हाइड कर सकते हैं। जरा सी सेटिंग के चेंज के बाद आप इसका इस्तेमाल भी कर पाएंगे। कुछ और भी नए प्राइवेसी फीचर है जो जल्द ही आपको व्हाट्सएप पे मिल सकेंगे। 5G का इंतजार करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर आ गई है एयरटेल से। कंपनी इसी महीने 5G नॉन स्टैंड अलोन नेटवर्क लेके आने वाला है। कंपनी के ग्रुप सीईओ ने इसके बारे में जानकारी दे दी है और 2024 मार्च तक कंपनी की तैयारी है सभी की जो टाउन और विलेजेस है, रूरल एरियाज है, वहां पर 5G नेटवर्क पहुंचाने की। वैसे जियो ऑलरेडी अनाउंस कर चुका है कि वो 5G नेटवर्क को लॉन्च करने के लिए बिल्कुल तैयार है और इसी महीने में तकरीबन 1000 शहरों में और टाउन्स में इसे
लॉन्च करेगा। लास्ट अपडेट शाओमी से, 11 अगस्त को चाइना में लॉन्च इवेंट है जहां पर कंपनी अपनी लेटेस्ट डिवाइसेस लाने वाली है, जैसे कि शाओमी अपना अगला फोल्डेबल फोन मी मिक्स फोल्ड 2 और साथ ही साथ लेटेस्ट टैबलेट जैसे कि शाओमी पैड 5 प्रो और उसके अलावा नेक्स्ट जनरेशन ईयरबड यानी कि शाओमी बर्ड 4 प्रो लाने वाला है। बाकी दोस्तों ये थे आज के अपडेट, कैसा लगे नीचे कमेंट करके बताना मत भूलिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मिलेंगे और वीडियो साथ, तब तक रखिए अपने ख्याल, जुड़े रहिए हिंदुस्तान जिंदाबाद।